चालू अभी आत्ता माझा सटकली ओके सब मजे में है जबरदस्त। एक खास बात कह के शुरुआत करना चाहता हूं और अभी जो है हमारा ये सेशन फेवरेट है दोस्तों। क्यों? इससे पहले जो बोलना था ना वो तो याद करके बोलना पड़ा। 15 साल पहले की कहानी। इतिहास हमको दोहराना नहीं है, इतिहास हमको बनाना है। और अभी वो भाग है जो हम कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। और इसलिए ये भाग जो है आप में से हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। आपको अब के बाद इसको लेके क्या करने का? रुपेश भाई बेटा गए नहीं तुम? अच्छा आदमी है, करते क्या हो तुम? हाँ बोलो। इंजीनियर? आपको पता है मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं डॉक्टर भी नहीं हूं। मेरे को समझ भी नहीं आता है आप लोग क्यों इंजीनियर और डॉक्टर बने हैं, जब पैसा बनाने के लिए आखिर में एमवे बिजनेस ही करना पड़ता है। नहीं नहीं बट रुपेश भाई आई अप्रिशिएट, आई सल्यूट एंड आई एडमायर योर क्वालिफिकेशन। अच्छा गुड। बहुत सारे मजे की बातें होती है। सबसे बढ़िया और खूबसूरत बात एमवे बिजनेस को लेकर क्या है कि आदमी यहां आने के बाद अपनी सब बातों को लेकर स्वीकारना समझ लेता है, स्वीकार लेता है। मैं अगर पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं स्वीकारने लगा। पहले पढ़ा लिखा बताता था, जताता था। पहले कोई मुझे मेरा हाइट पूछेगा, क्वालिफिकेशन पूछेगा, बड़ा सेंसिटिव इश्यू था, बड़ा टच हो जाता था। अभी कोई पूछता है बोलता हूं दोनों बराबर है, पूछो मत। मैचिंग करके रखा है हमने। बट एनीवेज एक खास मैसेज आप लोग को देना चाहता हूं दोस्तों इस बिजनेस को लेके। एक मजे की बात मैं बताऊंगा क्योंकि अभी ये सेशन हमारा है। आई टेल यू एंड हम लोग हर एक व्यक्ति जो भी यहां पे बैठा है खूने खांचे में कई देर भी हो आप, मैं आपको बोलता हूं आप इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपके लिए आए हैं। संध्या और मैंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया है, सिर्फ कुछ कुछ काम ऐसे किया है जिसकी वजह से हम लोग आपके लिए यहां पे आए हैं। लेकिन ये बात मेरे को इसलिए दोहराना जरूरी होता है क्योंकि हमारे बिजनेस से ये बात लगता है। ओके ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है वो हमारे लिए एक ऐसी उपलब्धि खड़ी करती है जो आपको और हमें एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन पहले कुछ लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं। हमने कभी भी प्रभु से जब प्रार्थना किया तो एक दो ही बात हमने पूछा है, सिर्फ दो ही बात हमने पूछा प्रभु से कि प्रभु कुछ योग्य लोग हमको दो और उनको संभालने के लिए हमको शक्ति दो। पहली बात, कुछ योग्य लोग हमको दो और उनको संभालने की हमको शक्ति दो। संभालने की शक्ति दो, समझने की नहीं, किसी को समझने मत जाना, आप रह जाओगे। सेकंड बात, अगर कुछ ऐसे लोग आए जिनको हम नहीं संभाल पाए उनको आप ही संभाल लो, इससे कोई किसी को शिकायत नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि जो हमारे योग्य है उनको हम संभालेंगे, बाकी के वो संभालेंगे, दोनों पार्टी खुश। तो आज आप हमारे साथ हो रुपेश भाई, हम आपको संभालेंगे। नहीं हो कल आप हमसे कुछ खफा हो गए, ऊपर वाला संभालेगा आपको। अब चॉइस आपका, उसका इंतजार करना है कि हमको ले लो। हेलो बट एनीवे दैट्स हाउ इट वर्क्स। अभी इस बात को लेके मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो भी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो या वो कहां पे आपको काम आता है। हमारे समय में हम लोग जब अमर चित्र कथा पढ़ते थे तब विक्रम और बेताल की कहानी हम लोग पढ़ते थे। आई नो आज की जनरेशन को तो पता भी नहीं चलेगा, वो लोग तो आईपीएल में ढूंढेंगे कि ये दोनों किधर है, विक्रम और बेताल, नहीं मिलेगा आपको उसमें। हेलो कि कौन सी टीम में है विक्रम, कौन सी टीम में है बेताल, किधर है, नहीं है। विक्रम तो फिर भी मिलेगा, बेताल नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हमारे टाइम की विक्रम और बेताल की कहानी है, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा लागू पड़ता है। अब विक्रम क्या करता है, वो जंगल में चलता है और जंगल पार करने जब निकलता है तब ये बेताल आके उसके कंधे पे बैठ जाता है। हेलो, और बेताल क्या करता है, उसको कहानी पे कहानी सुनाता है।
और वो कहानियां हमको सुनने को मिलती है, लेकिन वो कहानी पे कहानी सुनाता है लेकिन एक बहुत खास उद्देश्य विक्रम को देता है। क्या? कि तुम बोला और मैं चला। अब हमारे बिजनेस में भी विक्रम और बेताल है। एक विक्रम चलता है और 6 बेताल बैठ जाते हैं। हेलो, वो 6 बेताल बैठेंगे और फिर आपका प्लान आपको बोलता है विट डालो। 2 बेताल तो बैठे रहते हैं हमेशा, और विट डालो बोलते तो सोचेगा कि इसको ये दो कर दो ऑलरेडी, और वो लोग कहानियां सुनाते रहते हैं, मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ, देखो उधर से, देख इधर से, अभी बीवी ये है, बच्चे छोटे हैं, उधर से वो हुआ, इधर से ये हुआ, और सुनाते रहेगा। जैसे विक्रम बोला चला। अब मैं ये नहीं पूछूंगा आप क्या हो, गलत सवाल है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप क्या चाहते हो, आप 6 बेताल चाहते हो या 6 विक्रम चाहते हो? हेलो, अभी भी बेताल बोल रहे कोई? 6 विक्रम चाहते हो? पहले 1 विक्रम बनो, 1 विक्रम बनो। आप 1 विक्रम बनोगे, आपके अपलाइन के कंधे के ऊपर चढ़ के बैठोगे, नहीं उसको कहानी नहीं सुनाओगे आज के बाद से कम नहीं। हम लोग एक स्लोगन में मानते हैं, आज तक नहीं आज से सही। हेलो, जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, आज से सही, कोई बात नहीं, आज तक था सूखे, कोई डाल के गया था उठा के फेंक देते हैं, लेकिन आज से ये बात सही। सब कुछ बदल के रखेंगे आज के बाद आप और हम, और सब लोग यहां पे बैठे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग तरक्की करेंगे, सब कुछ बदलेंगे। विक्रम बनना है, नॉट बेताल। वो ऑलरेडी परेशान है आपका अपलाइन, कब से विक्रम हो पड़ा है। रुपेश भैया, आप मेरे को एक विक्रम दिखे हो, आप ऐसा मत सोचना। विक्रम बनने का, विक्रम बनेंगे ना तो कोई तकलीफ नहीं होगा। पूरी की पूरी विक्रमों की झुंड है, वो करने का, ये करने का, करने का। क्योंकि आप विक्रम बनना चाहते हो तो मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगा वो आपको काम करेगा। आई टेल यू दोस्तों, क्योंकि वरना ये चीज हमारे पल्ले भी नहीं पड़ा था इतनी आसानी से। हमारी तो ऐसी एक स्थिति थी कि जहां पे हमको कुछ बोला जाता है तो वो खास करके नहीं करने का, और ये भी देख लेते थे, देखते कौन कराता है वापिस। और इसलिए माँ बाप ने भी कभी कभी उम्मीद छोड़ दिया था, ये तो नहीं सुधरने वाला यार, छोड़ो यार इसको। तो वैसे में हम लोग आते हैं, फिर ये बिजनेस में बोलते हैं कि बुक पढ़ो, किताब पढ़ो। अरे बाप रे, क्या यार, वापिस कौन सा ज्ञानी बनना है हमको, यू नो। बट यहां हमारे बिजनेस में ज्ञान की जरूरत नहीं है, ध्यान की जरूरत है। ध्यान, आप किसी को भी जाओगे मिलोगे, उसका ध्यान दोहरा सकते हो तो वो उसका ज्ञान नहीं बांटेगा, लेकिन अगर आप जाओगे और उसका ध्यान नहीं आप खड़ा कर सके तो जरूर उससे ज्ञान प्राप्त करके वापिस आओगे, और वापिस आके आप आपके अपलाइन को सुनाओगे, उसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने ये किया, ने वो किया। दिस जस्ट अबाउट ध्यान, कोई भी कितने भी, इट्स इतना जबरदस्त बात बोला गया है कि नो पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो। हेलो, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, बट पीपल वॉन्ट टू नो हाउ मच यू केयर। कितनी अच्छी बात है, सिंपल बात। ऐसा भी बोला जाता है कि सिंपल चीजें लोग नहीं करते हैं। किसी ने पूछा कि जिंदगी को, किसी ने पूछा कि आप क्यों आसान नहीं हो, किसी ने पूछा जिंदगी से कि आप आसान क्यों नहीं हो, तो जिंदगी ने जवाब दिया कि आसान चीजें लोग मानते नहीं हैं, इसलिए मैं थोड़ी मुश्किल हूं। और ये बात एकदम हकीकत है कि इट्स सिंपल टू बी डिफिकल्ट बट वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। और इसीलिए मैं कुछ बातें आपको उदाहरण के आधार पे समझा रहा हूं या बता रहा हूं,
जिससे कि मैं अभी जो चीज लिखने जा रहा हूं वो आपके पल्ले पड़े। ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हमें क्यों चाहिए? किसी ने बांसुरी वाले को सुना है? बहुत वक्त हो गया है। पहले हम लोग के घर के आसपास गली में एक आदमी आता था, बांसुरी बजाता था। अभी आजकल तो पता नहीं क्या क्या और सब कुछ बजता है, लेकिन बांसुरी बजते हुए नहीं सुना है हम लोग, है ना? बांसुरी बजाते हुए देखा है किसी को? वो आता है बांसुरी बजाता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। इतने में हम लोग सब इतने मग्न हो जाते हैं, आ क्या बात है यार, याला। फिर से वो बजाएगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं। इतना मग्न हो जाते हो आप वो धुन से कि आप बांसुरी वाले को बुलाते हो, ए बांसुरी वाले आ जाओ, मुझे भी एक बांसुरी दे दो। आज मैं भी तैयार आया हूं, लाया हूं एक बांसुरी। हेलो, ये तो हमारे दोस्त हैं, कल हमने हमारी बात सुनी, उन्होंने उनका इसका बिजनेस है, ये यशवंत भाई उनका नाम है। उनको लगा कि मैं ऐसे बात करूं उससे आप लोग को बता तो सकूं कि बांसुरी कैसे आता है, क्योंकि आप में से खास कुछ लोग होंगे जो अभी अपलाइन को जाके पूछेंगे ये वो बांसुरी बोला ना वो क्या है। बांसुरी फ्लूट, अब वो बजाता है तो धुन निकलता है। हेलो, हम बजाते हैं तो परदेसी परदेसी आना नहीं, नहीं जाना नहीं, नहीं आना नहीं, और क्या निकलता है? हवा। कितना आसान है, कितना आसान है धुन को सुन के मग्न होना और वो बांसुरी खरीद लेना। बांसुरी वाले से खरीदने के लिए पूछते हैं तो बोलता है 20 रुपए का है साहब, और हम लोग वो बांसुरी खरीद लेते हैं। लेकिन उसमें धुन बजाने के लिए पॉसिबल है? फिर आप हवा डालते रहते हो, डालते दुनिया भर की ताकत लगाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे बिजनेस में जिन्होंने एमवे बिजनेस एक बांसुरी की तरह खरीद लिया है, ये ला, और उसमें हवा मारते रहा है और बोलता है बहुत मेहनत किया हम लोग ने, बहुत मेहनत किया। धुन बजाने को सीखा क्या? आप धुन बजाओगे तभी तो अगला मग्न होगा आपका धुन सुन के, नहीं तो आप हवा मारते रहोगे तो जरा दूर ही जाएगा ना आपसे। तो वैसे आप बांसुरी वाले को पूछ लो, ये पूरी की पूरी बात मैं आपको मजे दिलाने के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, हेलो, ये आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए, ध्यान नॉट ज्ञान, जिससे कि मैं अगला चीज जो लिखूंगा ना वो आपको पल्ले पड़े क्या। ओ ओके, धुन निकलने के लिए। और मैं आपको बताऊं, आप बांसुरी वाले से पूछिएगा कि दोस्त हमें भी तुम्हारे जैसा बजाने का सिखाओ ना, वो बोलेगा साहब सिखाऊंगा, 500 रुपया लूंगा महीने का और हफ्ते का 1 घंटा लूंगा आपसे, आपको तैयार होना पड़ेगा। हेलो, अब बोलो नहीं वो तो नहीं करूंगा मैं, मीटिंग आने का नहीं, मीटिंग नहीं आऊंगा मैं। क्या बोलेगा वो? मारते रहो हवा, चलो हेलो, क्या फर्क पड़ता है। हेलो, तो उसके आधार पे फिर आप 1 घंटे बैठोगे, उसके साथ सीखोगे, 500 रुपया देना पड़ेगा, वो हमारे बिजनेस में SOP करना पड़ेगा, कुछ बुक ऑफ द मंथ करके प्रोग्राम है। आई नो कुछ नए लोगों को लगेगा, रुपेश भाई को लगेगा कि ये कोड वर्ड क्या है, समझ लो आप, आपका जो भी इमीडिएट विक्रम है उससे पूछ लो।
चुकाना पड़ेगा। 500 रुपया दोगे, हफ्ते का एक घंटा बैठोगे, जिस दिन आपका धुन बजेगा लोग मग्न होके आपके साथ आएंगे। और उसी चीज को देखिए, जरूरी नहीं है कि हम लोग को सब के सब सीधे साधे लोग आने चाहिए। नो, वी एक्सेप्ट यू, आपको जैसे हैं वैसे हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारा तो कहना ही है कि टेढ़ा है फिर भी मेरा है। हेलो, लोग तो जो भी टेढ़ा मिलता है उसको खा जाते हैं, हम लोग तो संभाल लेते हैं उसको, खाएंगे नहीं। टेढ़ा है फिर भी मेरा है। और यही चीज हम लोग को सिखाया गया है कि जैसे आप आते हो चलेगा, थोड़ा सा आप डाउट में रहते हो, थोड़ा सा आप सोचते हो, थोड़ा सा आप डगमगाते हो, चौके हम आपको अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप धुन बजाने का सीखने के लिए तैयार है? और उसके लिए जो थोड़ी बहुत जो कीमत चुकानी पड़ेगी या जो थोड़े बहुत समय बिताना पड़ेगा वो तो बिताओ। धुन नहीं निकलेगा तो आवाज से काम नहीं चलेगा दोस्तों, है ना। और देखिए कुछ बातें मैं लिखता हूं अभी, वो आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, और आई नो बोर्ड बहुत विशाल है, विशाल बोर्ड है ये। अभी तो हम लोग बड़ा घर ले लिए, नहीं तो मेरा बेड का साइज ये था, चलेगा इट्स ओके। आप लोग मेरी सब बातें सुन के बड़े मजे ले रहे हो, मजे लेना अच्छी बात है। मैं लोगों को बताता हूं कि मैं आपको खुश करने नहीं आया हूं, मैं आपको खुश देखने आया हूं। खुश करना हमारा मकसद नहीं है, आपको जिंदगी भर खुश देखना हमारा मकसद है। और उसके लिए मैं आपको बताता हूं, ये कुछ अंग्रेजी में शब्द लिखे हैं मैंने, स्पेलिंग में पढ़ के आया हूं, तो आप स्पेलिंग मत चेक करो, लेकिन अगर दूर कोई बैठा है व्यक्ति वो देख नहीं पाता है तो मैं बताता हूं। ACCEPT इज एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट। हम लोग करते क्या है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हम लोग अगले से एक्सपेक्ट करते रहते हैं और अपने आप को एक्सेप्ट करके बैठे हैं, मी माई सेल्फ एंड मैं, एक्सेप्टेड, राइट। और बाकी सबसे एक्सपेक्ट करते रहते हैं, जैसे कोई आता है वो ये होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, बीवी को ये करना चाहिए, बीवी को वो करना चाहिए, सब कुछ अगले से एक्सपेक्ट। इससे तकलीफ क्या है पता है? बहुत सिंपल आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिससे भी आप एक्सपेक्ट करोगे वो ग्रो करेगा, और जिसको भी आप एक्सेप्ट करोगे उसके पास चॉइस है ग्रो करना कि नहीं करना, वो वहीं का वहीं रहेगा, स्थगित हो जाएगा। तो मैंने ये सीखा है कि अपने आप से एक्सपेक्ट करो, अपने आप से, तभी आप कुछ चीजों को अपना के आगे जाने में आप सहमत होंगे। और बाकी सबको एक्सेप्ट करो जैसे आता है, टेढ़ा है फिर भी मेरा है, एक्सेप्ट। कभी किसी से आपको शिकायत नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगा, अगर आप किसी हर एक व्यक्ति को एक्सेप्ट करके चलोगे, घर में भी बहुत सुख शांति होगी। वाइफ को वो ठिकाने लगाने जाता है, उसके बाद उसको वाइफ ठिकाने लगाती है, यही संघर्ष जारी है। हेलो, ये दो काम करने से आपका बहुत काम आसान होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, जो मुझे बहुत फर्क कर गया मेरे लाइफ में, और जिस दिन से कुलीन सर से मैंने ये स्टेटमेंट सुना है उस दिन से मेरी पूरी की पूरी समझ या फिर जो भी मुझे ये बिजनेस को लेके आगे बढ़ना था वो सब कुछ चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। और वो ये है, राइट बनना है या रिच बनना है, सही बनना है या रईस बनना है। अभी ये तकलीफ होती है कि जब दो चीजें दी जाती है हमको, हम लोग को दोनों चाहिए, दोनों नहीं मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा, और इसीलिए डिसीशन लेना पड़ता है। जब कुछ चीजों की चॉइस होती है तब उसमें हमको डिसीशन लेना पड़ता है दोस्तों। और डिसीशन के आधार पे आप देख लीजिएगा कि आपको क्या बनना है, राइट या रिच। रिच बनोगे तो हमेशा राइट रहोगे,
राइट बनोगे, आई डोंट थिंक कभी रिच बनोगे, क्योंकि आज तक राइट ही तो बने हैं। और अगर राइट बनने का बहुत बड़ा आपने सोच भी ले लिया है तो गारंटीड आई टेल यू, एक व्यक्ति की तरह राइट बनो, महात्मा गांधी। वो व्यक्ति एक उदाहरण है जो राइट बना, और उनकी कितनी ग्रेटनेस है दोस्तों, समझो तो सही। धक्का कहीं खाया और उसका उन्होंने आके हक जताया कहीं और। आप और हम क्या करते हैं, धक्का किधर खाया उधर ही हम लोग जता देते हैं। राइट बनना है तो बहुत सहनशीलता चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। राइट बनने के लिए आपको अगर सही मायने में राइट बनना है तो यू हैव टू बी अ सुपर पावर। लेकिन रिच बनना है तो विल पावर इज इनफ। लेकिन रिच बनने के लिए विल पावर आपको और हमको काम पे लगाना पड़ेगा। और ये राइट और रिच का दौर आप हर जगह पे, हर मोड पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये बनने निकलोगे तो आपको सब कुछ पल्ले पड़ जाएगा अपने बिजनेस का। आप कभी कोई चीज से शिकायत नहीं करोगे। अभी आपको एसओपी प्रोग्राम, बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम या फिर मीटिंग्स के बारे में, हर व्यक्ति को एमवे बिजनेस से कोई शिकायत नहीं है। प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करेगा, मस्त लगेगा, चकाचक दिखेगा, सब कुछ करेगा, वो भी लिया ये भी लिया, ऑल डन। लेकिन मीटिंग से बहुत तकलीफ है। अब आपको राइट बनना है तो मत आओ, अपना ही चलाओ। रिच बनना है तो चले आओ, चॉइस इज योर्स। और मैंने जिस दिन से ये बिजनेस को अपनाया, मुझे इतना समझ में आया है कि मैं चाहे बुद्धू हूं लेकिन मुझे 6 समझदार रईस बनने वाले मिल जाएंगे, और वो मिल गए। इसलिए आपके सामने एक डायमंड बन के खड़े हैं हम लोग। हमारे देश में किसी भी तरह से रईस बनने वाले लोग की कमी नहीं है। आड़े टेढ़े ऊंधे चत्ते काम करके लोग रईस बनना चाहते हैं। इधर एक इज्जत से अच्छा एक मौका मिल रहा है जिसके जरिए हम लोग सब परिवार सहित ये काम कर रहे हैं। ऐसा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, जहां पे पति पत्नी, यंग बच्चे, यंग जनरेशन, सिंगल लेडीज सब लोग आए हुए, और यहां से कोई भी तरह से इतना पॉश, इतना एलिगेंट। एक्चुअली सच बताऊं आपको, मैं आधे से ज्यादा जो लोग यहां पे आते हैं इस बात से ताज्जुब करते, ये लोग का क्या है यार, ये हम लोग भी वही देखने आए हैं। मैं बल्कि पहला मीटिंग कुलीन सर का जब मैं अटेंड किया मुंबई में, तो मैंने देखा कि क्या माहौल है यार, क्या बात है। छोटा सा ऑडिटोरियम में था वो, पाटकर हॉल या किधर चर्च गेट में। तो वहां से वो सूरत आए तो सूरत में भी मैं दिखा, तो सूरत में तो रहना ही था, तो सूरत में मैं उनको, सक्सेसफुल व्यक्ति थे तो उनके पीछे पड़ना, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे पड़ेंगे तो सक्सेस तो होना ही है। कंगाल के पीछे पड़े तो कंगाल रहे, ज्ञान अभी रईस के पीछे पड़ेंगे तो रईस होंगे, तो उनके पीछे पड़ा। वहां से वो बड़ौदा चले गए, मैं बड़ौदा भी गया। बड़ौदा में दिखा तो थोड़ा उनको डाउटफुल हो गया कि ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है। अगले दिन अहमदाबाद थे, अहमदाबाद में दिखा मैं, अहमदाबाद में मेरे को बुला के बोले, हर जगह आ रहे हो तुम, अच्छी बात है, कल मैं यूएस जा रहा हूं। मैंने उनको बोला सर आऊंगा उधर भी, और आप मानोगे नहीं, अब अगले महीने हम लोग वहां पे भी जा रहे हैं उनको मिलने। इतना प्यारा सा लेटर भेजा है उन्होंने, सिर्फ इनविटेशन टू बी रिच। हेलो, एक डिसीजन सिर्फ हमने लिया रिच बनने का, फिर उसके बाद जो भी आया, जो भी करना पड़ा करने का। आप रिच बनने निकलोगे तो आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। सिंपल सा उदाहरण है, रस्ते पे आप गाड़ी चलाते हो और गाड़ी चलाने के दौरान भी अगर आपका गाड़ी कहीं ठुक गया, कोई आके टच कर गया, आप उतरते हो उसके से, जरी तेरे को मालूम, राइट बनने निकलोगे। मेरे को ऐसा बहुत तकलीफ होता था, अभी एसी चलाता हूं, कांच ऊपर रखता हूं और कोई आके गाड़ी टच भी किया, उतर के पूछता हूं, बताइए क्या सेवा है, आपने मेरे गाड़ी पे क्यों खटखटाया। हेलो, उसको ताज्जुब हो जाते, क्या हो गया भैया,
नहीं, अभी आपने गाड़ी को टच किया तो बताना ही पड़ेगा मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूं। रिच बनना है ना तो वो अमेज हो जाता है, राइट बनना है तो वो भी राइट बनेगा, रिच बनेगा तो दोनों में से एक बनेगा। हेलो, ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हम लोग ने ठिकाने लगाए और वो हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में वो सब चीजों को ठिकाने लगाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत और जबरदस्त नौ, हमें नाइन कोर स्टेप्स बोला जाता है जो हमको मिलता है। मैं आपको बताऊं, आपने हजारों बार सुनी होगी नाइन कोर स्टेप्स, और आप में से कुछ लोग अभी आपको लगता भी होगा ओहो यहीं पे लाना था इसको, ओहो बस इसी बात का मजा था क्या? जी हां, हमारे पास इसके सिवाय और कुछ है भी नहीं। आपको राइट बनना है तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, रिच बनना है तो एक ही रास्ता है। और ये नाइन कोर स्टेप्स को आज के बाद आप कभी नाइन कोर स्टेप्स नहीं समझोगे, ये आपके नाइन कोर स्टेप्स टू रिच बनना होगा। और नाइन कोर स्टेप्स को मैं दोहरा के आपको इसको विस्तृत रूप में बताऊंगा। एमवे बिजनेस में वी सल्यूट द टू फ्रेंड्स रिच डिवॉर्स एंड जे वैन एंडल, गिव देम अ बिग हैंड माय फ्रेंड्स। मैं आपको सच बताता हूं, जबरदस्त दोस्ती का वो लोग एक मिसाल है। ये दोनों दोस्त, उन्होंने रिलेशनशिप से भी ज्यादा पार्टनरशिप को बनाया, फिर रिलेशनशिप तो बनना ही है। और यही चीज उन्होंने दोहराया और हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के जबरदस्त इसके जो प्रणेता है बिल ब्रिट, गिव अ बिग हैंड माय फ्रेंड्स। ऐसा पैकेज बनाया है हमारे लिए बिल ब्रिट साहब ने, ऐसा पैकेज बनाया है कि जितना हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी से उपलब्ध है उसका एक एक कण हम लोग हमारे फायदे में ले सकते हैं। कोई एक भी प्रतिशत काम चुकेगा नहीं। हमने जब बिजनेस शुरू किया, हो सकता है रोज के तौर पे हमको कोई बताने वाला अपलाइन नहीं था। बॉबी और मैंने साथ में शुरू किया तो वो मेरे को देखता था, मैं उसको देखता था, हम दोनों एक दूसरे को करते थे। लेकिन जो हमें एक्चुअल मेंटरशिप मिलना चाहिए था हर रोज का, हर वक्त का, आज की तारीख में आप में से बहुत सारे लोग भाग्यशाली हो, इसलिए आपकी टीम आपके अपलाइन से भी ज्यादा फास्ट चल रही है। लेकिन वो अपलाइन को आप फॉलो कर रहे हो तो, नहीं तो सोच में रह जाओगे। हमने तो क्या है कि ये सब चीज समझने के बजाय एक ही तरह से काम किया। एक लेग में मैंने 6 डायरेक्ट तोड़ डाले, 6 प्लेटिनम एक ही लेग में, धड़ 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 काम करते गए। अंधा कानून, नाइन कोर स्टेप्स, ये वो सबको अपनाते गए, लेकिन धड़ 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 6 प्लेटिनम हो गए। मैं लेटर का इंतजार कर रहा था कि डायमंड का लेटर क्यों नहीं आ रहा है। फिर पता चला कि भाई ये ऐसे 6 नहीं होने चाहिए, ऐसे 6 होने चाहिए। हर चीज हर बात को समझ के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई शिकायत नहीं है, ये ऐसा बिजनेस है कि यहां पे आपने कुछ भी किया हो वो आपको काम करेगा दोस्तों। लेकिन आपको उसने, आप वो काम को दिल से किया है कि नहीं, वो सवाल है। आप कुछ भी किए हो, आज ये 6 प्लेटिनम वाला जो लेग जिसमें हम लोग ने प्लेटिनम ये किया, उसमें आज 4 डायमंड्स है। वो लेग तो इतना भारी है मैं तो उठाना छोड़ दिया हूं उसको। और वो लेग से एक व्यक्ति है, रवि प्रकाश एंड मंजूषा, फैंटास्टिक। मैं इसलिए उसका नाम लेता हूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर कट आदमी। एक ही चीज से उसको शिकायत, बॉस से शिकायत था। आज भी बॉस का नाम लिखा है तो चिढ़ते, इसलिए नहीं लेते हैं, फ्री है उससे। अभी उसने 4 पिछले हफ्ते हम लोग ये सर्किट में आने से पहले उसने एक गाड़ी लिया 25 लाख रुपए का, फॉर्च्यूनर, फुल फ्लेज ऑटो गियर, ऑटोमेटिक, ये ऑटो वो ऑटो, ये ऑटो, 4 पहिए चलते हैं, मतलब 4-व्हील ड्राइव, हमारा भी 4 पहिया चलते हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं होता है, खाली 2 कनेक्टेड होते हैं। अब सोचो तो सही, जिस बंदे को गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं है वो गाड़ी खरीदता है, और जिसको गाड़ी में इंटरेस्ट है वो अभी भी गाड़ी का इंतजार में है।
उसको नो इंटरेस्ट, बड़ी गाड़ी लाके खड़ा किया, हम लोग को बुलाया, बोले कि आपसे गाड़ी स्टार्ट करवाने का है, और हमको गाड़ी चलाने दिया। फिर हमारे सब डायमंड्स को हम लोग बैठ के चले गए 600 स्क्वायर फीट का। लोग हमसे पूछते कि आपको होटल बिजनेस से ये एमवे बिजनेस में क्या मिला। होटल बिजनेस से मैं लाखों रुपए बना सकता था, लेकिन आज ऐसे 100 से ज्यादा लोग हैं जो हमारे बिजनेस में लाख रुपए महीने बना रहे हैं। वही मौका आपके पास उपलब्ध है, और वही चीज आपके यहां के सामने जितने लीडर्स बैठे हैं वो लोग कर रहे हैं, और एक ऐसा जबरदस्त फीलिंग मिलता है जब कोई व्यक्ति एक 600 स्क्वायर फीट के घर में रहता था, 6000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है। हम तो यहां नतीजों की बात करते हैं, हम आपको खाली सपने नहीं दिखाते हैं, नतीजे से बात करते हैं हम आपको। 600 स्क्वायर फीट का घर उसका था, रवि प्रकाश का, 600 स्क्वायर फीट, 6000 स्क्वायर फीट के घर में रहता है। 600 स्क्वायर फीट के घर में 8 लोग थे, 6000 स्क्वायर फीट में 4 लोग खो जाते हैं, मोबाइल से वापस कांटेक्ट करके मिलते हैं। अब आप मेरे को बताइए, मैंने अगर ये घर बना लिया होता तो लोग फिर भी कहते कि ओ ये तो उसका होटल बिजनेस का पैसा डाला होगा। रवि प्रकाश के पास एक जॉब था, जबरदस्त मैकेनिकल इंजीनियर के हिसाब से उसकी डैडी ने पूरी मेहनत करके जॉब दिलवाया था, ये बिजनेस की वजह से छोड़ दिया वो। आज उसके आजू बाजू में मैं बोलता हूं रईस रहते हैं, रईस रहते हैं, घर खाली है, वो बाहर रहते हैं। ये सही में रईस है जो घर में रहता है। अभी अभी उसके घर पे गए हम लोग, तो बताया कि कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर बाजू वाले घर में आया था, लेकिन जिस दिन वो सचिन तेंदुलकर आया उस दिन वो ओनर दिखा घर का, बाकी तो नहीं दिखता है घर में। दोस्तों ये वो बिजनेस नहीं है जहां पे आपको बोला जाता है कि आप पैसे बनाओगे, ये बनाओगे, वो बनाओगे, आपको ललचा के या आपको लुभा के नहीं बुलाया जाता है। आपको आपकी तरक्की को निश्चित तौर पे यहां पे कमाया हुआ आपको बताया जाता है, और आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपके साथ रहेंगे। लेकिन सवाल क्या है, सवाल यह है कि क्या आप रहोगे, वो इंपॉर्टेंट है। रुपेश भैया, आपको जिसने लाया ना मेरे दोस्त, उसको आपको ढूंढने पे मजबूर मत करो। एमवे बिजनेस शुरू होने के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत सक्सेस हो गए, क्योंकि बहुत सारे अपलाइंस उनके वो डाउनलाइन को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगा देते हैं, जरा ढूंढ के लाओ। तो वो बोलते हैं बच्चा बच्चा तो जाए तो भी चलेगा, आ जाएगा, ये इसको ढूंढो जो हमको बोल के गया है कि मैं ये बनूंगा न वो बनूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तुमको याद रहेगा। मैं वो याद में ही चला गया है। STP पहला काम, इधर से आदमी के ऐसे ऐसे हिलने लगते। STP मेरे को करने का है। हाँ और कौन है खानदान में, दूसरा तो कोई है नहीं करने वाला। हेलो हेलो, STP, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट्स एंड सेव द प्लैनेट, ये आपको करने का दोनों काम। ओके, इसके साथ क्या क्या अंजाम होगा मैं बताता हूं आपको। 100% यूज, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं कि जो मिलते हैं वो, मिलने के लिए तो बहुत कुछ मिलेंगे। रिटेल, जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो वही रिटेल करो, नहीं कि रिटेल में मास्टरी है हमारा, यूज क्या करते हैं वो पता नहीं, ऐसे सब नहीं काम करते छोटे मोटे। फिर इधर आता है, दिस इज CDs एंड SOP। फिर ये आएगा बुक्स एंड बुक ऑफ द मंथ, ये सब प्रोग्राम्स है, सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम्स। ओके, इसमें आएगा मीटिंग्स एंड फंक्शंस। ऑलराइट, थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों। अकाउंटेबिलिटी एक हमारा बहुत जबरदस्त और बहुत जरूरी पहलू है, और टीचेबिलिटी आपको और हमको सीखने के लिए एक बहुत अच्छा प्रक्रिया है, सिखाने का नहीं है, सीखने की प्रक्रिया है। और आखिरी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है सब चीजों को ऊपर के अनुसार करने के लिए। पहला 3 एक्शन का भाग है,
ओके okay? और ये है एमवे का पार्ट, एमवे का बिजनेस आपको करने के लिए ये तीन भाग में आप कर सकते हो, जिसको हम एक्शन पार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट तीन ये है एजुकेशन का भाग, और ये तीन चीजें हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड का आपको हिस्से में मिलेगा, ऑलराइट। और ये तीसरा तीन आपका एटीट्यूड बनाता है, आपके हर तरह की सोच को बड़ा बना के आपका अपलाइन से वास्ता बढ़ाता है। मैंने ये 9 स्टेप्स को इस तरह के भाग में समझा है, और ये तीनों हमारे बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, एक एमवे, एक ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एक अपलाइन। ये तीनों चीज को हम लोग मिला के ये 9 कोर स्टेप्स को कैसे निभाने का मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इसका मेन भाग जो है ये एक्शन पार्ट में आप दो काम करते हो, नेटवर्क बनाते हो, रिटेल बनाते हो और लोगों को लाते हो या प्रोडक्ट्स दिखाते हो, और वो सब काम में बहुत इंपॉर्टेंट है एक लेडीज का भाग होना। और लेडीज के भाग से अगर हम लोग की एक एक्शन में दोनों को एक दूसरे के साथ देके एक अच्छा काम हो सकता है, तो उसमें भरोसा बनता है। हर तरह की मैंने अगर दुनिया भर की सीडी सुनी है, सक्सेसफुल लोगों की कितनी भी बातें हमने सुनी है, उसके बाद भी अगर कुछ है तो हस्बैंड एंड वाइफ का टीम को सॉलिड बनाने के लिए यह एक्शन पार्ट में साथ में होना जरूरी है। मैं लोगों को बताता हूं कि एक आदमी को निश्चित तौर पर एक औरत चाहिए जिससे कि ये बिजनेस समझ में आए, क्योंकि हर घर में जाना है और उधर एक औरत होती है। औरत आदमी के बिना बिजनेस कर ले सक्सेस हो सकती है, ये भी मैं बता दूं। लेकिन आदमी को अगर अकेला है, मतलब शादीशुदा नहीं जो है, उसको एक अपलाइन कपल मिलेगा। सब बंदोबस्त है, लेकिन अगर आप शादीशुदा है और आप आपकी बीवी को घर में रख के बिजनेस करना चाहते हो, तो हमको तुम्हारे लिए एक स्पेशल कथा रखनी पड़ेगी, एक यज्ञ योजना करनी पड़ेगी आपके लिए, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, आई विल टेल यू। और अगर होता भी है तो इट इज ग्रेट, बट यू हैव टू हैव हस्बैंड एंड वाइफ टीम। हमारी हस्बैंड एंड वाइफ की टीम आज की तारीख में हमारे बीच में बहुत सारे बातों को लेकर बहस होता है, हर बात पे हम लोग एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, लेकिन इसकी सक्सेस को लेके नो बहस। उसको पता है मेरी जरूरत है, मेरे को पता है उसकी जरूरत है, दोनों उधर आता है तो चुप, बाहर जाके वापस स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या है, अभी तो फ्री है, रोज नया नया टॉपिक पे करते हैं, उसमें क्या है। सो हियर इज माय वंडरफुल वाइफ संध्या। दोस्तों पैसे चाहिए तो बिजनेस है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें प्रोडक्ट्स हैं। हम यहाँ पर खड़े होकर आपको ये नहीं बता रहे कि हम कोई एक्सपर्ट है या हम कोई इंटेलिजेंट है, हम कोई बड़ी स्मार्ट है, नहीं। हमारी शुरुआत भी आप जैसे ही हुई है, शुरू में जब डेमो कर रहे थे हमें भी डर लगता था, ऐसे नहीं कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं। आपको बता दूं, शुरू में अपलाइन आपको बोलेगा डेमो करो, आप डेमो करो, थोड़े दिन अपलाइन करेगा, बाद में अपने को करना होगा, क्यों डर लगता है। पहले दिन मुझे अभी भी याद है, मुझे पेस मीटिंग में डिश ड्रॉप दिया था और मैं जो स्पून मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। सो अगर आपको डर लग रहा है पहली बार करते समय, आप सही है, कोई भी काम पहली बार करने समय डर लगता है, लेकिन उसके बाद क्या डर आपको भगाएगा या आप डर को भगाओगे वो आप पर है। कोई भी अगर आपको डर को भगाना है वो काम कीजिए बार बार जिससे आपको डर लगता है। डेमो करने से डर लगता है उसको बार बार कीजिए, आप डर को भगा सकते हैं। दैट्स हाउ हम लोग ने ये बिजनेस बिल्ड किया। और लेडीज़ ऑफ कोर्स काफ़ी सारे मदर्स हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के बिजनेस की मीटिंग्स में सेमिनार्स में आते हैं और प्लान दिखाने अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं, तो तभी हम बच्चों को छोड़ते ही जाते हैं, क्योंकि ये भी हमने किया है। आज हो सकता है कि मेरा बेटा 17 साल का है, लेकिन जब हमने बिजनेस शुरुआत किए थे वो सिर्फ 3 साल का था। और हम जैसे मैंने बताया कि भाई हमको बताया गया कि हस्बैंड एंड वाइफ का बिजनेस है तो आपको बीवी के साथ क्यों, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। और एक औरत में वो दम होता है लोगों को मतलब बांध के रखने का, रिलेशनशिप जो है वो एक लेडी जितनी अच्छी तरीके, आदमी लोग प्रोफेशनल हो सकते हैं लेकिन लेडीज पर्सनल हो सकती है, नो शी कैन बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप इन द टीम। तो एकलव्य बहुत रोता था, हालांकि उसको पसंद नहीं है मैं ये चीज़ स्टेज से बोलना। जब वो 3 साल का था तो जब पहली बार मैं अनिल के साथ मीटिंग में जा रही थी
डेफिनेटली रोया है, क्योंकि मैं फुल टाइम मदर थी वो टाइम पे, और बोलता था उसकी भाषा में, जब 3 साल का था तो उनका अलग भाषा होता है, कि रोता था नहीं जाओ करके, लेकिन फिर भी मैं गई। मुझे याद है मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोई थी, और सेकेंड डे तो भी रोया, थर्ड टाइम रोया नहीं लेकिन आंख से आंसू आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पता चल गया कि ये रुकने वाली नहीं है। चौथा दिन रोया नहीं क्योंकि उसको पता चल गया कि ये अभी रुकने वाली नहीं है। तो उस हिसाब से, क्योंकि हमने क्यों, इसलिए नहीं कि मुझे पसंद है, लेकिन इसलिए हमने क्यों, क्योंकि उसी के लिए हमको ये बिजनेस बिल्ड करना था। तो अपने बच्चों को आप बहाना मत करिए कि मुझे अभी छोटा है इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। उनको एक आप अपना कारण बनाइए कि जब वो बड़े हो के वो जो चाहे अगर हम दे सकते हैं ये बिजनेस हम आज करेंगे करके। तो आज ये भी बता दें कि जब वो 7 साल का था हमने उसको एक बैंकॉक ट्रिप दिए, जब वो 12 साल का था वापस एक फॉरेन ट्रिप्स दिए, उसके बीच में जब उसके 10th बर्थडे थे तो हमने बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट किया। जब 10th से 10 साल तक उसके बर्थडेज भी हमने मतलब मीटिंग सेशन बिजनेस बिल्ड करते हुए तो सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन आज तो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर इवन 12 साल में मैं अगर उसको पूछती 12-13 साल में, क्या तुम्हें याद है तुम पटाया गए थे हमारे साथ, डेफिनेटली याद है उसको 10th बर्थडे याद है, डेफिनेटली याद है। लेकिन अगर मैं आज उसको पूछूं तुम जब मैं जब मीटिंग में जाती थी तो तुम रोते थे, तो बोलते उसको याद नहीं है। सो बिल्ड इट फॉर देम आज, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं और अगर आपसे कुछ मांगता है और अगर हम नहीं दे पाते हैं वो लाइफ लॉन्ग याद रखेगा। आज अगर वो तो छोटा है उसको रो रहा है, बच्चे बड़े होते समय नहीं याद। और लोगों को ये भी ना लगे कि हम सैक्रीफाइसेस कर रहे हैं, नो, सक्सेसफुल पीपल डोंट मेक सैक्रीफाइसेस, दे मेक अ चॉइस टू मेक देयर लाइफ बेटर। अगर आप बच्चे को छोड़ने का, मैंने कोई सैक्रीफाइस नहीं किया है, मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए एक चॉइस किया है। ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए बड़ा काम नहीं है, क्यों, क्योंकि इसी प्रोडक्ट से अगर मुझे फॉरेन ट्रिप्स मिलता है तो ये प्रोडक्ट यूज़ करने का मैंने एक चॉइस किया है। सो ये बिजनेस आपको एक चॉइसेस देगा, जैसे अनिल ने बताया, दो चॉइस होगा आपके हाथ में कि आपको कौन सा चूज़ करना है। तो चॉइस हो सकता है कि आज एक बहुत यहाँ आप बैठे हैं लेकिन कहीं एक शादी हो रही है जहाँ पे आपको होना था लेकिन आप यहाँ पर हैं, आपने क्या किया है, चॉइस किया है यहाँ पे होने का। सो ये जो छोटे छोटे चॉइसेस आप ये बिजनेस में करते जाओगे, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस आपके पास आएगा। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड दिस बिजनेस। और जब लोग बिजनेस में आएंगे, अलग अलग तरीके के लोग होंगे, तो लव देम एट एनी कॉस्ट। कोई लेडीज़ होगी डेमो करती है, हो सकता है कि सीडी नहीं सुन रही है, बुक नहीं पढ़ रही, डोंट वरी, वो अगर वो डेमो कर रही है उसके ऊपर आपकी नज़र जानी चाहिए, वो जो नहीं करती है उसके ऊपर आपकी नज़र नहीं जानी चाहिए। जो कर रही है उसको तारीफ़ कीजिए, जो नहीं कर रही है उस पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि अगर आप उनके करने का इस पर आप ध्यान दोगे, तारीफ़ करोगे, दूसरा जो 8 स्टेप है वो अपने आप वो करते जाएगी, या उसका ये सिस्टम जो है उससे करवाएगी। अगर कोई मीटिंग में आती है, घर में प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो रही है, डोंट वरी फॉर सम टाइम, गिव देम टाइम। मुझे छः महीने लगे थे 100% प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, और 10 महीने लगे सीडी सुनने के लिए। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरे बिजनेस में कोई आ गई और वो 10 दिन के अंदर सब कुछ करना चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन एक चीज़ भी अगर वो 9 को स्टेप में एक चीज़ भी अगर वो करती है, प्रेज देम फॉर दैट, अप्रिशिएट देम। ये बोला जाता है कि लोग प्यार और पैसे के अलावा उससे ऊँचा ओहदा पे अगर कोई चीज़ को रखते हैं वो है तारीफ और रिकग्निशन। जिस दिन आप लोगों की तारीफ करने सीखेंगे, वो जो कर रहे उस काम को, हो सकता है कि वो एक काम होगा, उसके ऊपर रिकग्नाइज करने सीखेंगे, लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, और दूसरे जो बचा हुआ स्टेप्स है वो अपने आप वो करते जाएंगे। हैव पेशेंस, मतलब लव देम एट एनी कॉस्ट। हो सकता है 100 PV कर रहे हैं, रिकग्नाइज देम फॉर दैट 100 PV, क्योंकि हमने भी 50 PV से शुरू किया था, आज हो सकता है कि हम 1000 PV करते हैं, लेकिन शुरुआत हमारी कहाँ से हुई है, वहीं से उनकी भी शुरुआत होगी। और आपके टीम में आपके लिए एक अपलाइन लेडी डेफिनेटली होगी, जिसके साथ आपको जुड़ना है, जिसके साथ आपको हर समय कम्युनिकेशन में रहना है। जो भी है, आपकी और अपलाइन की टीम एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, दो टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, एक है हस्बैंड एंड वाइफ। घर में जो हम दोनों काम कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए, हमारे बीच में
बहस जैसे अनिल ने बोला जरूर होगा, लेकिन वो बहस हमारे बिजनेस को इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मीटिंग से पहले अनिल और मेरी बहस होती है और मैं सोचती हूँ मुझे मीटिंग में नहीं जाना है, दिल में ज़रूर ख्याल आएगा, मैं नहीं बोलती हूँ, ख्याल आता है, मैं नहीं जाती हूँ चलो गुस्से से, लेकिन मैं अपने आप से पूछती हूँ क्या मुझे वो किताब में मेरा नाम चाहिए या नहीं। तो वो अगर मुझे चाहिए तो मैं ज़रूर मीटिंग में जाऊँगी। हर चीज़ बिजनेस पार्टनर से लाइफ मैटर तो है। उस वक्त अगर गुस्सा आता है या बहस होती है, क्या मुझे मीटिंग में जाने से पहले क्या मैं अपने बेटे को कॉम्प्रोमाइजी लाइफ से हटाना चाहती हूँ? अगर चाहती हूँ तो मैं कितने भी गुस्से हस्बैंड से हो मैं वो मीटिंग में ज़रूर जाऊँगी। और मीटिंग में जाने के टाइम हस्बैंड एंड वाइफ एकदम मुस्कुराते हुए जाना ज़रूरी है। क्यों? आपके डाउनलाइन आपको देख रहे हैं, आपके क्रॉस लाइन भी आपको देख रहे हैं, और हमारा चेहरा बड़ा एक्सप्रेसिव है, स्पेशली लेडीज़ आपके चेहरे में एक्सप्रेशन है। हो सकता है कि कितने भी गुस्से हो, गाड़ी में बैठे हो, एक ब्रिट वर्ल्ड की सीडी आप लगाइए, आप एकदम शांत हो जाओगे, और जैसे आप मीटिंग में आओगे यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट कपल इन द ऑडिटोरियम। सो दैट्स हाउ पीपल गेट अट्रैक्टेड। लोग ये बिजनेस से अट्रैक्ट नहीं होते हैं स्टार्टिंग में, आपसे अट्रैक्ट होते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक्साइटेड हो, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, वो अट्रैक्शन है हमारे बिजनेस में। जिस दिन आपसे अट्रैक्ट हुए, दूसरा 9 core step एकदम ईजी है। मैं अपलाइन और ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हमारी ज़िंदगी में किस तरह काम कर सकते हैं उसके लिए एक कहानी बोल के अनिल को बुलाऊँगी। और ये कहानी है कि एक बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और पूरे लाइफ उन्होंने अपनी भगवान की श्रद्धा की है, और भगवान की जो कायदे कानून है उसी पे अपनी ज़िंदगी बिताई है। तो डेफिनेटली उनके देहांत के बाद वो स्वर्ग चले जाते हैं नेचुरली। तो स्वर्ग में भगवान के साथ मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दोस्ती होती है। थोड़े समय के बाद भगवान बोलते चलो मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को एक बार दोहराऊँगा, देखो तुम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किए हैं और क्या कब सुखी थे कब दुखी थे सब कुछ तुम देखो करके। सो दोनों अपने समंदर के रेती के ऊपर चल रहे थे, दोनों बात कर रहे थे और भगवान उनको बता रहे थे कि तुम बचपन में ये हुआ तुम्हारे पास, जवानी में ऐसे हुई, बुढ़ापे में ऐसे हुआ, तुमने कब खुशी पाई कब दुख पाया सब कुछ दिखा रहे थे। और भगवान ये भी बता रहे थे देखो रेती में जो पैरों की निशान दिख रही है वो तुम्हारे और मेरे 4 footprints दिखते थे रेती के ऊपर। तो पूरा ज़िंदगी देखा भक्त ने, पूरा ज़िंदगी देखा, फुटप्रिंट्स देखे, फिर लास्ट में उन्होंने भगवान की तरफ देखा और बोला कि मैं इतनी पूरी ज़िंदगी तुम पे 100% बिलीव किया और मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी देखा, तो तुम हर समय मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरे सबसे ज़्यादा दुख के दिन थे या हो सकता है मेरे स्ट्रेस्ड मोमेंट थे और या डाउनफॉल था, तभी मैं देखता हूँ कि मेरे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 footprint दिखते हैं, तुम तब मेरे पास क्यों नहीं थे, जब मुझे आपकी सख्त ज़रूरत थी तब मुझे आप मेरे पास क्यों नहीं थे। तो भगवान ने बोला अगर मुझ पे 100% आपने भरोसा किया है तो 100% करो। वही चीज़ हम भी बोलते हैं, अगर आपने सिस्टम को बिलीव करते तो 100% कीजिए, अपलाइन को बिलीव करते तो 100% कीजिए। कभी कभी डाउट आता है बट डोंट वरी, इट इज़ फॉर योर ओन गुड। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोला कि जब आपके दुख भरे दिन थे या स्ट्रेस्ड आउट दिन थे आपके पास चलने की भी ताकत नहीं थी, तो इसलिए मुझे उठा के चलना पड़ा। तो वो जो 2 footprint है वो आपके नहीं है, मेरे हैं। तो उसी तरह ये बिजनेस में भी एक काफ़ी मोमेंट आएंगे जब आपको चलने की ताकत नहीं रहेगी, सोचने की ताकत नहीं रहेगी, उस वक्त आपको आपका अपलाइन और आपका सिस्टम आपको उठा के लेके जाएगा। और वैसे अपलाइन हमारे भी है, हमारे लाइफ में भी मोमेंट्स आए जब ये बिजनेस हमें लग रहा था कि भाई क्या हम सही कर रहे हैं, नो लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन उस वक्त मुझे याद है हमारे जो अपलाइन डायमंड कुलीना एंड मीना देसाई सबसे ज़्यादा इंडिया आते थे जब हमें उनकी ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा आते थे, लेकिन हमें उस वक्त नहीं पता था। आज अगर हम दोनों बैठ के बात करते तो हमें मालूम है कि हमें जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो हमारे साथ थे, एंड द सिस्टम डज वंडर्स। और अनिल और मेरी रिलेशनशिप जैसे अनिल ने बताया
वो 6 साल पहले और 6 साल के जो ब्रिज सिस्टम से पहले और सिस्टम के बाद हमारे रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क है। अभी एक दूसरे को हम अच्छा समझ सकते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा बोल सकते हैं, बहुत बड़ी बात है हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना, और वी थिंक गुड फॉर ईच अदर। जब आप डायमंड जा रहे हो आपका पहला काम है कि इट मैटर्स, हम अपने टीम के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने अपलाइन के बारे में क्या सोचते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने हस्बैंड के बारे में क्या सोचते हैं। हियर इज़ माई क्राउन हस्बैंड हु इज़ फुलफिलिंग माई ड्रीम्स, डायमंड गोइंग EDC अनिल शेट्टी। थैंक यू। ऑल राइट दोस्तों, फास्ट फास्ट, मुझे मालूम है आप सब लोग अभी रईस बनने के जल्दी में हो, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, मेरे को राइट बनना नहीं है, ये वर्ड लिख लो, संभालो, आपके दिलो दिमाग में बसा लो, लर्न। संध्या और मेरे बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसको देखना मत, मेरे को देखते रहो, और उसको सुनना चाहिए आप, तो अभी इधर देखते रहो आप लोग, ओके। और ये देखो, लर्न में अर्न है, EARN, LEARN। अगर आपको किसी भी तरह से लर्न की तैयारी, सीखने के लिए तैयार हो, तो इसमें कमाई अर्न का है। हम लोग लर्न ब्रिट वर्ल्ड वाइड से करते हैं और अर्न एमवे से करते हैं, और ये दोनों भाग आपको ये एक्शन पार्ट में बहुत काम आएगा। पहला 3 चीज एक्शन क्या क्रिएट करता है, जो एमवे आपको और हमको पैसा देता है, जिसके वजह से आप वॉल्यूम क्रिएट करते हो, हेलो। और ये वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपको और हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड से ये 3 काम करने के लिए 4 बेसिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ कनेक्टेड है, मैं आपको बताता हूं, सब कुछ कनेक्टेड है। 4 बेसिक्स आपके और हमारी वॉल्यूम बढ़ाने का और एक्शन का काम आसान करेगा। 4 बेसिक्स का पहला पहलू है लिस्ट बनाना, लोगों की सूची लिस्ट और ड्रीम्स की सूची। अगर मैं एक हस्बैंड एंड वाइफ को मिलता हूं, अगर मैं आज रुपेश भाई और सोना बेन, मेरी बेन, ओके, रुपेश और सोना को अगर मैं मिलता हूं, रुपेश जी काम करते हैं, सोना जी हाउसवाइफ है, आप भी काम करते हैं, PhD कर रहे हो, प्रणाम। हमने उसका एक नया वर्जन निकाला है हमारे बिजनेस में, पीपल हेडिंग डायमंड। मैं आपका सब्जेक्ट नहीं पूछूंगा क्योंकि उसमें मैं उलझ जाऊंगा, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाइस टू हैव यू हियर इन स्पाइट ऑफ डूइंग PhD। आप एक उदाहरण हो मैडम, कोई आसान काम नहीं है। लोग तो हमके 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को लेकर टेंशन बताते कि नहीं उसका स्टडीज, उसका एग्जाम है, और इधर एक PhD की लेडी बैठी है, सोचो। सल्यूट, ग्रेट मैडम। लेकिन जब मैं आपके पास लिस्ट बनाने आता हूं 4 बेसिक्स का, आप एक हमारे नए दोस्त हो, नया बिजनेस करने की आपके में एक उमंग है, तब लिस्ट 2 तरह की बनानी होती है, एक ड्रीम, एक नाम। अब आदमी के पास कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको मैं नाम का लिस्ट बनाने को बोलूंगा, उसको मैं ड्रीम का लिस्ट नहीं बोलूंगा। ड्रीम का लिस्ट किसको बोलने का, लेडी को बोलने का, दोनों को कुछ तो काम देने का, नहीं तो दूसरे को बुरा लग जाता है। रिवर्स नहीं करने का, आदमी को ड्रीम लिस्ट मिला तो वो एक ही ड्रीम लिखेगा, सोना 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 सोना। और लेडीज क्या है, प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनसे ड्रीम लिस्ट लिखवाने का, सिर्फ सिंपल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये लिस्ट बनाने का काम में, ओके। इसलिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम में आते हैं। 4 बेसिक्स में सबसे बड़ा काम है लिस्ट, उसके बाद उसको लेके कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट करने का, आप आपके अपलाइन के साथ बैठ के सीखो, और उसके बाद आप उनको प्लान दिखा सकते हो, बिजनेस दिखा सकते हो। बिजनेस दिखाने का एक ही मकसद नहीं है, आज की तारीख में बिजनेस चेंज हो चुका है, प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा भाग है। सिर्फ लोगों को लाने का बिजनेस मत करो यार, लोगों को एमवे का नाम सुन, मेरे को करने का नहीं, करने का नहीं। अरे भाई नहीं करने का है, कुछ दिखाने का काम कर रहा हूं, रिलैक्स। इधर तू जो कर, छोड़ो ना यार, अपने को किसी को लाने का नहीं है, किसी को बनाने का नहीं है, हमारा काम सिर्फ दिखाने का है। इट इज सेड शो द प्लान, शो नॉट शो ऑफ, शो ऑफ नहीं करने का, शो करने का, करके रखो, दैट्स इट, इट्स सिंपल। यूनिक बिजनेस है, यूनिक काम नहीं करना है,
बिजनेस यूनिक है, काम वही का वही करना है. इज दैट फाइन? फोर बेसिक्स, देन गेट्स पीपल स्टार्टेड. अगर आप उसको सही ढंग से पेश आओगे, उसको कुछ सही जानकारी दोगे, वो आपका बिजनेस में आएगा. गेट हिम स्टार्टेड, दैट्स फोर बेसिक्स. फोर बेसिक्स विल हेल्प योर एक्शन पार्ट. ये आसान हो जाएगा और दुनिया भर का आपका वॉल्यूम बनेगा. वॉल्यूम प्रोडक्ट्स और लोगों से बनता है. प्रोडक्ट्स को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमको लोगों को लाना पड़ता है. काम आसान करने के लिए हम कुछ व्यवस्थित लोगों को बिजनेस में लाते हैं. एक ही काम एक ही आदमी करेगा, थक जाएगा. सब मिलके थोड़ा थोड़ा काम करेगा, आसान होगा, बड़ा काम होगा. दैट्स ऑल इट इज अबाउट. हेलो, सिंपल लॉजिक. अब वॉल्यूम को लेके एक इंपॉर्टेंट कोड वर्ड मैं आपको देना चाहता हूं. वॉल्यूम को लेके पीवी पीवी. नए आदमी को मीटिंग से तकलीफ, डिस्ट्रीब्यूटर को पीवी से तकलीफ. ये मेरा अनुभव कहता है. यहां पे ये चीज लागू नहीं पड़ता होगा. मुझे वो दिन याद है जब हमारे वहां एक बहुत जबरदस्त धुरंधर आदरणीय कपल आए थे, हमारे देश के सबसे बड़े ग्रोइंग कपल, डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र ब्रैच. यस, सूरत आए, सूरत आए. बहुत कुछ अच्छी बातें उन्होंने बताए, बहुत कुछ जबरदस्त बातें बताए. एक बात उन्होंने बताया कि हम कभी हमारा पीवी चेक नहीं करते. कर लो बात. उस दिन से हमारे बिजनेस में आधे लोग पीवी चेक करना ही छोड़ दिए. अरे कुछ डालो तो सही, फिर मत चेक करो यार. ये तो खाली पड़ा है, उसको क्या चेक नहीं करते हो तुम? नहीं नहीं, हम चेक नहीं करते. हेलो, मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपलाइन को दुनिया भर की बातों को चेक करने का हक दिया गया है, आप चेक करो. लेकिन अपलाइन को आपसे एक ही बात चेक करने का हक है, आपका पीवी. और पूछेगा, मैं तो किसी को भी, आप में से काफी लोग इधर बैठे हैं जो 10,000 पीवी करने का अभी भी सोच रहे हो, भूल कर रहे हो. 10,000 पीवी तो आपका बच्चों का खेल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि पीवी का अर्थ ही आपने अब तक नहीं समझा है. पीवी का दो अर्थ है. एक है पैसा वसूल, ये मेरा गुजराती होने का नाता है, पैसा वसूल. और दूसरा है पर्सनल वैल्यू. हेलो, 10,000 पीवी इज योर पर्सनल वैल्यू. एंड उसको कैसे मांगता है वैसे पूरा करने का, हर मंथ पूरा करने का, तभी जाके आपके टीम में धुरंधर लोग आएंगे. मैंने इसलिए आपके लिए आया हूं. एंड आई एम टेलिंग यू, 10,000 पीवी शुड बी किड्स गेम. चलिए, वेरी गुड. सीडीज, बुक्स, मीटिंग्स, ये एक्शन पार्ट कंप्लीट. 10,000 डन. सीडीज एंड बुक्स, मीटिंग्स एंड फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है. इसमें फोर बेसिक्स आता है. सीडीज, बुक्स और मीटिंग्स और फंक्शंस में संगत बढ़ती है. आपका आपको थ्री पावर्स इधर सीखने को मिलता है. थ्री पावर्स से आपको सही बोलना. थ्री पावर्स में सबसे पहला है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड. आपको सही बोलने को सिखाएगा. किसी को अपनाना है तो शुभ शुभ बोलो. हमारे माँ बाप ने हमको कब से बोला है, लेकिन अमल में लेने का कुछ जरूरत नहीं था. ठीक है, आज से सही. अच्छा बोलो. बुरा बोलने के लिए तो तैयारी रहती है. अच्छा बोलो, पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड. उसके बाद है नेक्स्ट पावर ऑफ सबमिशन, समर्पित होना. रिच बनना है तो सबमिशन होना पड़ेगा. ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग लोग सबमिशन में रहते हैं, वीक पीपल कैन नॉट बी इन सबमिशन. आप सोचिए, एक आलीशान मस्त मर्सिडीज कार लेके आप ट्रैफिक सिग्नल पे, पुलिस वाला आपको रुकने को बोलेगा तो आप निकलने की कोशिश करोगे? हाँ, टू व्हीलर में है तो आप निकल जाओगे. बड़ा काम करना है तो आपको सबमिशन में रहना पड़ेगा. छोटा चिल्लर पिल्लर काम चलेगा, कोई नहीं रोकता है मेरे को. बार बार मर्सिडीज में पुलिस वाला रोकता है, आपका ध्यान उस पर है ही नहीं. आपका ध्यान मर्सिडीज में, म्यूजिक चल रहा है. हेलो, यू गेट माय पॉइंट? तो सबमिशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्त. मैं टोटली मेरे अप्लायंस कुलीन एंड मीना देसाई को सबमिटेड हूं. 1% का टेंशन नहीं है उसके वजह से. कोई भी काम मैं करता हूं उनको पता है,
आज की तारीख में यहां बैठा हूं, उनके प्रोस्पेक्ट को उन्होंने मेरे सेमिनार में भेजा है. एंड दैट्स द प्राइड वी शेयर विथ हिम. और ये सब जबरदस्त चीजें, आपका भी आपके अपलाइन के साथ कनेक्शन है. और वो ही चीज, तीसरा जो चीज है थ्री पावर्स में, पावर ऑफ यूनिटी. आपने अगर पावर ऑफ सबमिशन को अपना लिया तो पावर ऑफ यूनिटी निश्चित तौर पे आपको मिलेगा. आपके और आपके अपलाइन के बीच में या आपकी टीम के बीच में कोई नहीं आ सकता है. एंड दैट इज द पावरफुल थिंग वी शेयर इन अवर टीम. हर व्यक्ति चाहे कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर भी उसको दिल से अपनाते हैं यार. उसका जब वक्त आएगा कर लेगा. हेलो. एंड हर व्यक्ति ये थ्री पावर से बहुत कुछ कर सकता है. इसके बाद अकाउंटेबिलिटी, टीचेबिलिटी और कम्युनिकेशन. दोस्तों ये तीन चीजों के लिए, अपलाइन से वास्ता करने के लिए, आपका एटीट्यूड बनाने के लिए थ्री कार्डिनल रूल्स मिलते हैं. थ्री कार्डिनल रूल्स कुछ भी पहली बार करने से, फर्स्ट टाइम यू हैव टू चेक अपलाइन. कुछ भी करने से पहले चेक अपलाइन. ऐसे नहीं कि बार बार अपलाइन को चेक करते रहो है कि नहीं, किधर है. हेलो. करने के लिए. हेलो. ओके. थ्री कार्डिनल रूल्स का सेकंड है कि नेवर एवर पास नेगेटिव. किसी भी ढंग का कोई नेगेटिव अपने को किसी को भी पास नहीं करने का. कभी भी राइट नहीं बनने का, रिच बनने का. रिच बनने का नो नेगेटिव, नो नॉनसेंस. कभी भी आपको कुछ प्रोडक्ट को लेकर नहीं मिलता है, अरे तेरे को मालूम है प्रोडक्ट ही नहीं हो गया, लेकिन तेरे को मालूम है आज तक एक चीज नहीं डीएनए हुआ है. लोग सिंपल, हमारे देश तो इसके लिए माना हुआ है. कभी कोई चीज की कमी नहीं है. आज की तारीख में कंपटीशन चाइना के साथ है. लोगों की कभी कमी, मैंने कभी भी कितना भी बड़ा सेंटर कोई भी जगह पे मैंने नहीं देखा है प्रोडक्ट डीएनए है, लेकिन लोग डीएनए है कहीं नहीं लिखा है मैंने. क्या चाहिए आपको? एब्सोल्युटली. हम लोग ने 6 प्रोडक्ट्स को लेकर 10,000 PV पूरा किया यार. 6 प्रोडक्ट्स को लेकर हमको भी अभी समझ में नहीं आता है उसको कैसे बताएं. नहीं हो गया, लेकिन अभी छोड़ो वो बात. यस विष्णु भैया याद आता है तो छोड़ो. थ्री कार्डिनल रूल्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्री कार्डिनल रूल्स में नेवर मेस विद एनीबॉडी स्पाउस मनी एंड ईगो. आपका अपलाइन के साथ का वास्ता इतना सॉलिड होना. नेवर मेस. रिच बनने का काको पंगा लेने का, इधर उधर नजर नहीं डालने का फालतू का. नो. इसको आप विस्तृत रूप में हर तरह की आपके पास ब्रिट वर्ल्ड वाइड में किताबें उपलब्ध है उससे कर लीजिएगा दोस्तों. ओके. और सबसे मेरा सबसे सबसे मेरा पावरफुल चीज सीडीज, बुक्स एंड मीटिंग्स. सीडीज का SOP प्रोग्राम मैंने खास करके ब्रिट वर्ल्ड वाइड से रिक्वेस्ट करके मैंने वो 30 तारीख एक्सटेंड करवाया SOP और बुक ऑफ द मंथ का. मैंने कहा मेरा जरा सेमिनार हो जाने दो, तब तक एक हमारे चहीते लोगों को एक और मौका दे दो. हेलो. तो SOP प्रोग्राम में अभी 2 दिन बाकी है. एग्जिस्टिंग रेट्स में आप कर लोगे आपका SOP और बुक ऑफ द मंथ साल का करोगे तो एक लैंप लाइटर का सब्सक्रिप्शन का आपका फ्री में पड़ेगा ₹600 मंथली. आई एम टेलिंग यू डू इट यार. बांसुरी बजाने का सीखने का है कि नहीं, कर लेने का. रुपेश भैया ये करेंगे ना तो उधर से आएगा, ये नहीं करेंगे तो इंतजार करते रहेंगे. बहुत मेहनत किया. एनीवेज दोस्तों, लॉट ऑफ फैंटास्टिक थिंग्स SOP एंड CDs. अब CDs कैसा सुनने का? गाड़ी में अपना रईस का CD सुनने का, कांति जी, कुमार जी, सुकेत जी, ऐसे लोगों का CD सुनने का. आपके यहाँ के लोकल लीडर्स सेमिनार करके आते हैं उनका CD सुनने का. इधर एक CD हमको दिया गया है और दिस इज अ VCD आई थिंक मराठी में है. मराठी में CDs उपलब्ध है यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए यार. हर भाषा में CD उपलब्ध है. सो ऑल दीज थ्री कार्डिनल रूल्स विल हेल्प यू टू गेट योर अपलाइन कनेक्शन फुल. CDs व्यवस्थित उन्हीं अपलाइंस का और सक्सेसफुल लोगों का सुनने का, और उससे आपका पूरा का पूरा काम एकदम सुरक्षित हो जाता है. CDs सुनने से मेरे को बहुत शांति मिलती है. कहीं पे जाता हूँ कुछ भी होता है मेरे पे असर होने वाला है, CD बजा देता हूँ, आह रिलैक्स. उसके बाद बुक्स एंड बुक ऑफ द मंथ प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. इधर मराठी में बुक्स अवेलेबल है, कुछ न्यूट्रिशन एंड विटामिन, ये विटामिन सब्सक्रिप्शन एक
जबरदस्त इंग्लिश में किताब है जो आपको और हमें हमारे न्यूट्रोलाइट और हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट को लेके बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये किताब को किताब से जानकारी मिलेगी। डॉक्टर नहीं भी है तो आपको पता चलेगा कि कितने और क्या चीज हमको लेना जरूरी है। और ऑफकोर्स ये तो मैं मराठी में नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन जो हमारा व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो वाला किताब मराठी में उपलब्ध है। तुमच्या डॉक्टरांच्या, बस इतना मेरे को मालूम है। इसमें दोनों आ गया, तुमच्या तुम आ गया, डॉक्टरांच्या डॉक्टर आ गया, मतलब तुम दोनों के बीच का पूरा इसमें लिखा है। हेलो एलेट को बुला रहा हूं भाई। हेलो, समझ रहे हो? सब चीजें अवेलेबल है बुक्स में। एक अनबिलीवेबल ये चार बुक्स पावर के सीरीज, पावर सीरीज मराठी में, अनबिलीवेबल। सब कुछ अवेलेबल करता है तो आपको और हमको लेके इसको कुछ नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता है। पूरा चार का एक सेट ले लो, चार का सेट एक मराठी का एक विद्वान व्यक्ति को दे दो, बोले पढ़ के जरा आपको बताओ, वो आ जाएगा बिजनेस में। क्योंकि ऐसी किताबें कोई संस्था कोई इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलती है एक्सेप्ट ब्रिट वर्ल्ड वाइड। दोस्तों वी टेक प्राइड, हम लोग अगर बिलोंग करते हैं तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड को बिलोंग करते हैं। हम लोग एमवे का बिजनेस करते हैं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड को बिलोंग करते हैं और हम लोग बेहद प्राउड फील करते हैं। और ये किताबों ने मेरी तो नक्शा ही बदल दी है। मैं तो कभी किताबों का आदि ही नहीं था, अमर चित्रकथा और आर्चीज कॉमिक्स पढ़ता था। किताबें आदि तो डर लगता था, लिखा ज्यादा उसमें पिक्चर नहीं है तो आपको तकलीफ हो जाता था। और अभी किताबों के बिना नहीं चलता है। ऐसी ऐसी किताबें मैं आपको दे सकता हूं या बता सकता हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैंने तो मेरा आईआईएम के कुछ फैकल्टी वाले हैं मेरे साथ जो पढ़े हुए, उन लोग से कुछ अपने किताबों के टाइटल पूछा तो बोले आई वुड लाइक टू रीड इट। मैं बोला वो तो तुम करोगे, लेकिन उसके बाद का इंपॉर्टेंट है। किताबें पढ़ने से आप लोगों को समझने से ज्यादा लोगों को संभाल पाओगे आप, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडी सुनने से अपने आप को संभाल पाओगे और किताबें पढ़ने से आप लोगों को संभाल पाओगे दोस्तों। और ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, फंक्शंस एंड मीटिंग्स जिससे जिस चीज से आपको बेहद तकलीफ है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मीटिंग्स एंड फंक्शंस। मैं आपको बताऊं अभी फंक्शंस का इंपॉर्टेंट। मैं आपकी तरह वो उधर थर्ड फ्लोर में लास्ट में बैठा था, वो स्पीकर के पास। एक फंक्शन में आए थे हम लोग दूर से। ऐसा बोला जाता है ये बिजनेस में उपयोग करो, दूर उपयोग नहीं। वो दूर बैठा था मैं। आपको आपके बच्चे को आगे के सीट में बिठाना है कि पीछे के सीट में बैठने को बोलते हो? उसको स्कूल भेजते हो आप बोलते हो बेटा लास्ट बेंच में बैठने का, अपने को देख दुनिया भर का लफड़ा करने का, लास्ट बेंच बैठने का, आगे नहीं बैठने का कभी। क्या बोल के भेजते हो? और आप बड़े आराम से आते हो, हाँ भाई हमारा सीट किधर है? उधर पीछे। मेरा तो साइज भी ऐसा था कि पीछे बैठता था तो दिखता भी नहीं था, वो सीट के नीचे घुस जाता था मैं धीरे से स्लिप होके। मैं उधर बैठा था, चिल्लाता था, सीट पे उछलता था। एंड आई टेल यू फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू बी क्रेजी। इतना उछलता था बगल वाला आदमी सोचता था कि इसका तो बहुत लफड़ा है भाई, हमारे ऊपर गिरेगा ये करके। वो लोग बोले आगे जाइए ना, थोड़ा आप आगे जाओ, थोड़ा आप आगे जाओ। जाके आ गए हम इधर। एक्साइटमेंट जरूरी है ये बता रहा हूं। अब वो बंदा सोचा मैं बहुत एक्साइटेड हूं, एक्चुअली लफड़ा क्या है, मेरे को दिखता नहीं था वहां से, तो अपन तो उछल रहे थे। चाहे कैसे भी हो, गेट एक्साइटेड। फंक्शन में बैठे हो, यू शुड बी एक्साइटेड। आपके सीट पे आपसे ज्यादा रईस बनने वाला कोई नहीं है, गेट एक्साइटेड अबाउट इट। ये हुआ फंक्शन की बात। अब फंक्शन का मैं बोलूं, हम लोग इतने आदर और कदर करते हैं फंक्शन का, आई एम तो जस्ट क्रेजी। आप में से कितने लोग सुगीत अजमानी को सुनने का मजा आएगा? आई नो। अभी मजे की बात सुनो, हम लोग 8 तारीख को टोरंटो जा रहे हैं, ओके? और क्या मजे की बात है, 11 तारीख को टोरंटो में सुगीत एंड काजल का बीबीएस है।
सोचो, पहले हम लोग इधर बीबीएस अटेंड करते थे, अभी टोरंटो में बीबीएस। क्या मजे की बात है। ये तो एक बात है, हफ्ते में मीटिंग होता है, मुंबई में मीटिंग होता है, अलग अलग जगह होती है। मुंबई का जितना बढ़िया तो व्यवस्था किसी का नहीं है। सब लीडर्स को मैं प्रणाम और आदर करता हूं जो ब्रिट ओपन मीटिंग्स अटेंड कर, मतलब होल्ड करते हैं, होस्ट करते हैं। दे आर डूइंग द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फेवर टू यू, आई विल टेल यू। और आप एक मीटिंग में जाने से शर्मा रहे हो, आप सोच रहे हो किसका एक 10 साल का बेटा है, 10 साल, 10 साल से छोटा नहीं, तुम तो मेरे हो। लोगों को सेटिंग नहीं लगना चाहिए। नयन भाई कोई नया कपल है, नया कपल, सर सर, यस, आप बच्चा छोटा, बड़े हो गए, बेटी नहीं चलता है यार, बेटी के साथ मैं पंगा नहीं ले सकता हूं। बेटी तो जिंदगी भर तुमको प्यारी लगेगी, बेटा है ना 12 साल तक तुम्हारा रहता है, उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल। इसलिए 10 साल का बेटा नहीं है किसी का। अरे यस, 10 साल, 8 साल, 9 साल, परफेक्ट, ओके। क्या नाम है आपका सर? भरत एन, भरत एन सुजाता। भरत भाई आई विल टॉक लेस टू यू बिकॉज बाप को बेटे के बारे में कम मालूम होता है, माँ को ज्यादा मालूम होता है। तो सुजाता जी से मैं बात करूंगा। एक बेटा है आपका सर, आपका मैडम 9 साल का, स्कूल जाता है, जल्दी 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 करना पड़ेगा क्योंकि इधर टाइम हो जाता है, तो फिर ये लोग सब मेरे को लेके जाएंगे, उठा ले। 9 साल का बेटा, वंडरफुल। वो आपका स्कूल जाता है, ठंडी में जाता है, गर्मी में जाता है, बारिश में जाता है, रोज जाता है। किसके लिए जाता है? बहुत ज्यादा मत सोचो, टाइम नहीं है अपने पास। अभी आप बोलोगे पढ़ने के लिए, टीचर, नहीं, आप दोनों को खुश देखने के लिए। माँ बाप को खुश देखने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं। दोस्तों हेलो, नादान है, मासूम है, लास्ट में स्कूल जाने से पहले 45 किलो बैग डाले, लास्ट में देखेगा मम्मी को, पापा तो सोया ही रहते हैं। आप फ्री हो गए बिजनेस से तो बात अलग है। भरत भाई खाली मजाक करो, नॉर्मल मम्मियों की बात करता हूं यार, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग लीडर्स ऐसे डालेगा, लास्ट में देखेगा मम्मी जाओ, मम्मी बोले गो बेटा, जाता है स्कूल, जाता है आप दोनों को खुश देखने के लिए। ना उसको टीचर पसंद है, ना उसको स्कूल पसंद है, लेकिन इज्जत से जाता है। 8 घंटे बैठेगा, पढ़ाई करेगा, टाटा पीटा पीटी चीची सब सीखेगा। उसको पता है पिताजी सीख के कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है, फिर भी जाता है। हेलो भरत भाई, एम आई राइट? एब्सोल्युटली। और जाता है वापस स्कूल से, आता है जैसे पैर रखता है एक्साइटेड, आ मम्मी करके चिल्ला के आता है। अगर वो एक मासूम नादान बच्चा आप दोनों को खुश रखने के लिए, खुश देखने के लिए हर रोज स्कूल जाता है, आप हफ्ते में 2 घंटे उसको खुश देखने के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए नहीं जा सकते? उस दिन चाहे कुछ भी हो, आपको आपके बच्चे को देखने का है और उसको देख के बोलना है मेरा बेटा तेरे को आज कोई भी ताकत आए, तेरे डैडी और मम्मी को तेरे को खुश करने से नहीं रोक सकता है करके जाने का। यू शुड बी देयर। उतना ही नहीं है, लास्ट बात कह के मैं खत्म करना चाहता हूं। आप जॉब में हैं? जॉब में कैसे जाते हो? आप मत बताओ, आप तो लीडर है। जॉब में जनरली नॉर्मल आदमी जाता है, वापिस मुड़ के बीवी को नहीं देखेगा, आगे बॉस को याद करके जा रहा है। जाने का टाइम ऐसा जाता है। और बेटा स्कूल जाने का टाइम कैसे जाता है? जाऊं कि नहीं? और बेटा वापिस स्कूल से कैसे आता है? और पिताजी वापिस कैसे आता है? हमारे अपने बच्चों से सीखो कहां पे एक्साइटेड जाना है और कहां पे एक्साइटेड आना है। हेलो, ओ डैड उधर कंपनी से ऐसा हालत में आता है, मम्मी देख के फायर्ड अप कैसे हो सकती है?
दोस्त अपने ही घर वापस लौट रहे हो. गेट एक्साइटेड फ्रेंड्स, वी लव यू एंड गॉड ब्लेस यू. ओवर टू माय होस्ट.